उज्जैन से करीब 40 किलोमीटर दूर कर्णावत ग्राम पंचायत के सरपंच और पंचायत के सचिव सहित पंचों ने ग्राम पंचायत के ऑफिस को सर्व सुविधा युक्त उपचार हेतु बनाया, ताकि कर्णावत ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामीणजनों का उपचार ग्राम पंचायत के परिसर में बने हुए हॉल के अंदर किया जा सके। साथ ही समय रहते हुए गंभीर मरीज को उपचार के लिए जिला मुख्यालय भेजकर उचित उपचार किया जा सके, उसी को लेकर ग्राम पंचायत परिसर में बने हुए हॉल के अंदर बेड लगाकर व्यवस्था की गई है। यह पंचायत भवन हमेशा खुला हुआ रहता है ताकि जरूरतमंद और बीमार की मदद हो सके और समय पर उसको उपचार मिल सके, उसको लेकर ग्राम पंचायत ने यहाँ पर व्यवस्था की है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। पंचायत क्षेत्र कौन सी है और ये जो बेड लगे हुए हैं किस प्रकार से, क्या इनका उद्देश्य है, क्या मकसद है, क्या रहता है? सर, अब जो महामारी चल रही है इसमें हॉस्पिटल में जगह नहीं है, बेड नहीं है, इसलिए ग्राम पंचायत को आदेशित किया गया है जिला पंचायत सीओ सर के द्वारा कि प्रत्येक पंचायत में या स्कूल में 10 बेड लगाए जाए। वो हमने लगाए हैं। अगर ज़्यादा महामारी फैलेगी तो यहाँ हम क्वारंटाइन सेंटर में रखेंगे और दवाई गोली देंगे, ऐसा शासन का निर्देश है। ये कौन सी ग्राम पंचायत है और ये जो कोविड सेंटर बनाया गया है, किस प्रकार से यहाँ पर उपचार हो सकता है और किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई हैं? हमारे यह ग्राम पंचायत कर्णावत है और इसमें जो भी बाहर से आए कोई मजदूर है या कोई भी नया कोई आएगा तो वहाँ पर हम क्वारंटाइन कर सकते हैं उसको, और वो इसलिए सुविधा की गई है कि जो कि कोई आके कोई संक्रमण नहीं फैला सके अपने गाँव में, वहाँ पर वहीं उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। तो कर दी है। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्रमांक 2 कृष्ण प्रजापति। पंचायत है और किस प्रकार से यह पंचायत में कोविड सेंटर बनाया गया, किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई हैं और क्या रहता है? सर, ग्राम पंचायत कर्णावत है और मैं हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगीता शर्मा है। हमारे यहाँ पंचायत से लेकर जितनी भी सेवाएं हैं मतलब बहुत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।